वाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दौलामेटी ग्राम पंचायत सदस्य तथा टंटा मुक्ति अध्यक्ष एंटी करप्शन की टीम ने बुधवार को दोपहर 2 बजे के दौरान रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने से दौलामेटी में चर्चा का विषय बना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी दौलामेटी ग्राम पंचायत सदस्य टंटा मुक्ति अध्यक्ष प्रकाश मेश्राम उम्र 49 बताया गया। आरोपी प्रकाश मेश्राम ने देसी शराब की दुकान बंद करने के लिए जिला कलेक्टर से शिकायत करने की धमकी दी थी। गांव की महिलाओं को लेकर पंचायत में मामला भी उपस्थित किया गया। शराब की दुकान बंद करने गांव के लोगों को मेश्राम उकसा रहा था। एक तरफ आरोपी प्रकाश मेश्राम लोगों को शराब दुकान बंद करने उकसा रहा था तो दूसरी तरफ शराब दुकान के मैनेजर को पैसे को तंग कर रहा था। मैनेजर से बार बार पैसों की मांग करता था। कई बार मैनेजर ने प्रकाश को पैसे भी दिए। देसी शराब की दुकान बंद करने की धमकी मैनेजर को दी। भट्टी बंद करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू किया। पंचायत में ग्राम सभा में शराब दुकान बंद करने का ठहराव लिया गया। हाथों पर कर चुनाव लिए गए। जो हटाने के पक्ष में 83 लोग थे, वही शुरू रखने उसे ज्यादा लोग थे। आरोपी प्रकाश बराबर मैनेजर को 1 महीने से परेशान कर रहा था। बुधवार को दोपहर के वक्त गाड़ी में अधिकारी के समक्ष आरोपी प्रकाश मेश्राम ने मैनेजर से लेन देन की बात हुई। बार बार प्रकाश मैनेजर को पैसे मांग रहा था। पूरी बात रिकॉर्डिंग हो रही थी। दोपहर को मैनेजर ने पैसे नहीं दिए, शाम का समय दिया। फिर शाम को मैनेजर ने आरोपी प्रकाश को फोन कर कंट्रोल वाड़ी बुलाया, वो 7,000 रुपए दिए। फिरियादी मैनेजर दौलामेटी निवासी आखिर परेशान हुआ। 12 अप्रैल को एंटी करप्शन में शिकायत की। एंटी करप्शन ने 20 अप्रैल बुधवार को दिन भर जाल बिछाने का सिलसिला शुरू रहा। शाम करीब 7 से 8 बजे के दौरान आरोपी प्रकाश मेश्राम को 7,000 रुपए लेते कंट्रोल वाड़ी में रंगे हाथ पकड़ा गया। 7,000 रुपयों में 500 रुपए की एक नोट एंथ्रेसीन पाउडर हुई निकली। एंटी करप्शन के सारंग मिराशी ने बताया कि गैर आवेदकों के रिश्वत के पैसे ट्रिब्यूनल के समक्ष नागपुर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस के बीच हुई बातचीत को डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड के जरिए रिकॉर्ड किया गया और ट्रैप ऑपरेशन के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। दौलामेटी निवासी खामला चौक के मालकी के देसी शराब चिल्लर बिक्री दुकान 2011 से है, जो कि कमीशन बेसिक पर मैनेजर चलाता है। देसी शराब की दुकान से लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन चालकों से हफ्ते के पैसे वसूलने के लिए लोगों पर दबाव बनाया है। भट्टी बंद करने लोगों को सामने किया, लेकिन मामला उल्टा हुआ। आरोपी प्रकाश मेश्राम को एसीबी ने वाड़ी पुलिस स्टेशन लाकर धारा 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को MRDC पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया। आगे की कार्रवाई एसीबी की ओर से हो रही है। देशी दारूचं दुकान हे ग्राम पंचायतीच्या हद्दीमध्ये असल्यामुळे ग्राम पंचायतीचे जे सदस्य होते प्रकाश मेश्राम ते त्यांनी त्यांना त्यांच्या दुकान बंद करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडे तहसीलदाराकडे जी तक्रार करू नये त्याच्यासाठी त्यांनी त्यांना लाचेची मागणी केली। जर लाच दिली नाही तर तुझ्या देशी दारूचं दुकान गावातून बंद करून टाकू, तहसीलदार जिल्हाधिकाऱ्याकडे तक्रार करू, ह्या सगळ्या मिळून त्यांनी अशा प्रकारे तक्रार दिली। त्यामुळे आम्ही त्यांची तक्रार खरी आहे की याच्यासाठी ती पडताळणी केली आणि आमच्या पडताळणी दरम्यान आरोपी इतर लोकसेवक ग्रामपंचायत सदस्य प्रकाश मेश्राम यांनी त्यांना 7,000 रुपयाची मागणी केली आणि ती 7,000 रुपयाची मागणी करून ती रक्कम त्यांनी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आणि त्यांनी ती रक्कम स्वीकारली। त्यावरून त्यांच्यावर पोलीस स्टेशन वाडी येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला अँटी करप्शन ॲक्टनुसार आणि त्यांना आता 1 दिवस पोलीस कोठडी मिळाली आहे। तरी या प्रकरणामध्ये अजून कोणाचा सहभाग आहे का, काही डॉक्युमेंट्स त्याच्यात घेणं आहेत आणि इत्यादी बाबीसाठी आम्ही तपास करतो। BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।